इस मंदिर के निर्माण के विषय में दो तरह की धारणाएं लोगों में प्रचलित है। कुछ लोगों का मानना है कि मंदिर में स्थापित शिव शक्ति की मूर्ति पांडवों द्वारा निर्मित है, जबकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि मूर्ति रामपुर बुशहर के लोगों द्वारा स्थापित की गई है। लेकिन मूर्ति चाहे जिसने भी स्थापित की है, वह बेहद अद्भुत है। इस मंदिर के निर्माण के विषय में दो तरह की धारणाएं लोगों में प्रचलित है। कहा जाता है कि जब पांडव वनवास के दौरान इस क्षेत्र में रहे थे, तो उस वक्त हिमाचल में पांडवों ने अपने वनवास के अधिकांश समय गुजारा, जिसके कई प्रमाण हिमाचल भर में देखने को मिलते हैं। अगर हम दूसरी धारणा के प्रति बात करें, तो उसके अनुसार एक समय था जब रामपुर क्षेत्र के लोग नमक लेने मंडी के समीप एकमात्र प्राकृतिक नमक की खान द्रंग से नमक लेने के लिए आते थे। उस दौरान उनका रात्रि ठहराव छतरी नामक स्थान पर हुआ करता था। सैकड़ों वर्ष पूर्व एक रात्रि को जब नमक लाने वाले सुबह द्रंग की तरफ प्रस्थान करने लगे, तो उन्हें लगा कि जैसे ही वह द्रंग की तरफ रुख करते तो वह अंधे हो जाते थे। जब वह अपने घर की तरफ का रुख करते थे तो वह देख सकते थे। ऐसी अविश्वसनीय स्थिति को देखकर वे सभी सत्ते में आ गए कि आखिर यह कैसा चमत्कार है। उन्होंने देव के माध्यम के गुर से इस बात की जानकारी लेने का प्रयास किया कि आखिर ये हो क्या रहा है। देव माध्यम से पता चला कि यह परेशानी तभी दूर हो सकती है जब वह उनके विश्राम स्थली के आसपास दबी हुई एक मूर्ति को बाहर निकालेंगे। बहुत पुरानी कहावत है कि उसी विषय अज्ञानी लोग सर जो है उन्होंने किया था, वहाँ था खंड में गए, वो रहे रात को, वो हो गया काने बिचरे अंधे हो गए सर। जब सुबह चढ़ने लगे फिर आते थे तीन चार दिन वहीं रहे। जब ये वहाँ रहते रहते उन्होंने ऐसी बात सोची, जब इसी मकान गया एक बात क्या बनी, जब इसमें तो पता नहीं लग रहा। तो जब उन्होंने डैर देखा बोले उस देवता ने बोले जिस डैर इस डैर के कारण उसकी चोटी पहुंचेगी वहां मेरा मंदिर बनाओ, तब जाके तुम्हें छुट्टे मिलेगा चले जाएंगे। और भाई भाई हीरापुरी ना लेंगे सारे फिर भाई रखने के बाद उन्होंने क्या किया, तो आपने घर बन के लिए पता दे दिया निमकी भाई ना निमक ले गए रंग से रंग अलावे रंग से हो आते थे रंग से, तब जाके उन्हें इससे ये मंदिर उन्होंने बनाया वो जिस समय इस देवता का ध्यान। जैसे ही उन्हें इस बात का एहसास हुआ, तो रामपुर बुशहर के लोगों ने उस मूर्ति को बाहर निकालने के लिए पूरी श्रद्धा और निष्ठा से उस स्थल की खुदाई शुरू की, जिसमें उन्हें शिव पार्वती की एक सजीव प्रतिमा मिली, जिसे स्नान इत्यादि करवा के विधि अनुसार एक स्थान पर स्थापित किया गया। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि मूर्ति को पांडवों द्वारा निकाला गया है और उनके द्वारा मंदिर बनाया गया है। खैर, मंदिर चाहे जिसके भी द्वारा बनाया गया हो, लोगों की तो देवादिदेव महादेव के प्रति खासी आस्था देखी जाती है। के चैनल के लिए के आर कौशल की रिपोर्ट। धर्म वक्त एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक की उस पर आपको बताएंगे कि कैसे यह मंदिर लकड़ी का बना और इसमें किसने कलाकृतियां उकेरी। महादेवा